प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। दो दिवसीय ड्रोन महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई बातें की। पीएम ने माना कि ड्रोन की मदद से सरकारी योजनाओं का बेहतर ढंग से मॉनिटर किया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत में ग्लोबल ड्रोन हब बनने की पूरी ताकत है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के हाथों से 150 रिमोट पायलट को सर्टिफिकेट भी दिया गया। पीएम ने कहा, भारत में ग्लोबल ड्रोन हब बनने का दम है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर देश में जो उत्साह दिख रहा है वह बेहद शानदार है। मोदी ने पीएम स्वामित्व योजना का उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी बड़ी क्रांति का आधार बन रही है। पीएम ने कहा, पीएम स्वामित्व योजना के तहत पहली बार देश के ग्रामीण इलाकों की सभी प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की गई और ड्रोन की मदद से ही लोगों को 65 लाख डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए गए। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से ही लास्ट माइल डिलीवरी को सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही आने वाले समय में डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। भारत ड्रोन महोत्सव 2 दिन का इवेंट है। इसमें सरकारी अधिकारियों के अलावा सेना, केंद्रीय पुलिस बल, PSU, प्राइवेट कंपनियां और ड्रोन स्टार्टअप समेत 1600 से अधिक डेलीगेट हिस्सा लिए हैं। 8 वर्ष पहले यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। देश में सुविधाओं का, पहुंच का, डिलीवरी का एक जो डिवाइड हमें अनुभव होता था, उसके लिए हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, उसे एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में व्यवस्था का हिस्सा बनाया। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहां मान लिया गया टेक्नोलॉजी अनेक बड़े रहीस लोगों का कारोबार है, सामान्य मानव की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने